विल द सोसाइटी एक्सेप्ट यू, आर पीपल स्केयर्ड ऑफ यू, या लोग ये सोचते हैं कि यार इनसे दूर रहो, लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उनके ऊपर इतनी बड़ी बीमारी आ गई। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, माई नेम इज अभिनव। रिसेंटली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19। फाइनली अब अराउंड 17-18 डेज के बाद मैं फाइनली घर की छत पे आया हूँ, एंड इट्स लाइक इट इज रियली ब्यूटिफुल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेल में बंद था और अब मैं फाइनली बाहर आया हूँ। एक्चुअली मैं होम क्वारंटीन में था, तो जब मेरा होम क्वारंटीन और आइसोलेशन पूरा हो गया तो कल डॉक्टर और नर्सेज आए थे हमें डिस्चार्ज करने के लिए, और फाइनली उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। हमारा जो घर सील था वो अब सील नहीं है। स्टिल मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बार बार रन कर रहा है कि विल द सोसाइटी एक्सेप्ट मी। इन 17-18 दिनों में मैंने एक चीज सीखी है कि अगर तुम इस सिचुएशन में आते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा यार कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है, कौन तुम्हारे सच्चे रिलेटिव्स हैं। टू बी वेरी ऑन, इवन आफ्टर आई गॉट डिस्चार्ज, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए मेरे पास, यार स्टिल स्केयर्ड, और हम कैसे मिलेंगे, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे। तो मैं बस उनका एक ही डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ बीमारी है, एक इतनी छोटी सी बीमारी जो कुछ दिन के लिए आती है फिर चली जाती है। दिन में मेरे को पता लगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो अच्छी में मतलब तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरा भी एक ऐसे ही दोस्त था जिसने मेरे को अभी भी बोला जब लोग मुझसे डर रहे थे, वो अभी भी मुझसे मिला, उसने मुझसे बात करी, उसने मुझसे अपनी पास खड़े होकर बात करी, दो आई वॉज वेयरिंग अ मास्क। ही वॉज रियली हैप्पी यू नो, एंड ही वॉज ब्लेसिंग मी कि यार तू ठीक हो गया, दैट्स रियली गुड, हम मिल सकते हैं, अब हम इंडिया गेट जा सकते हैं, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कितने कंसर्न है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें पूछेंगे नहीं, वो तुम्हें जरूर पूछेंगे, बट वो इसलिए पूछेंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि उनको कोई हार्म ना हो, एंड यू नो दैट्स एक्चुअली गुड, पीपल शुड बी सेल्फ कंसर्न। बट वहीं वो दोस्त आते हैं जो कहते हैं यार तू ठीक हो गया, यार चल यार चलते हैं, यार घूमने चलते हैं, चल यार मस्ती मारते, मेरे को बहुत खुशी हुई यार कि तू ठीक हो गया। That's the difference between the people. You can't be good for everyone, but for maybe some of them, you are really, really precious. Honestly, when talking about the society, people won't accept you in the first place. But जब धीरे धीरे आप लोगों में जाओगे, धीरे धीरे आप निकलोगे, जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस गेन करने लगोगे, बेसिकली आप अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं इन दिनों में, तो जब आप वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन करोगे तो यू विल प्रोबेबली फिट बैक इन द सोसाइटी। सो दिस मैसेज इज टू ऑल दैट पेशेंट्स जो कोरोना वायरस या कोई भी ऐसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं जिससे लोग तुम्हें अलग समझते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि यार तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अलग हो, तुम बहुत स्पेशल हो, और ऐसा समझो कि यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड योर ट्रू फ्रेंड्स। अगर तुम्हें डॉक्टर्स ने और नर्सेज ने और गवर्नमेंट ने फिट डिक्लेयर कर दिया तो डोंट बी अफ्रेड टू स्टैंड आउट, जस्ट स्टैंड आउट, दैट्स वॉट यू आर बॉर्न टू डू। ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक द प्रिकॉशंस, मास्क और सैनिटाइजर और सारी चीजें, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ द सोसाइटी, दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। ट्रस्ट मी, यू कैन नेवर सैटिस्फाई योर सोसाइटी और द पीपल who are not really concerned about you or not your true friends or relatives, so I don't think you can satisfy them. आज पूरे 18-19 दिन बाद मैं ये सीन देख रहा हूँ जो मैं बचपन से देख रहा था, ये मैं आज देख रहा हूँ 20 दिन घर में बंद होने के बाद, और I just want to say कि मेरे को कितना खूबसूरत लग रहा है आज, मेरे को इतना खूबसूरत लग रहा है। If you won't stand out for yourself, तुम वो चीज़ मिस करोगे। तो आई जस्ट रियली रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू हु हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव टू मी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और मेरे आसपास के लोग, जितने लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया है, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। सिंस वी नो द केसेज इन इंडिया ऑफ कोरोना वायरस आर राइजिंग रैपिडली, शुड ऑल्सो नो कि यार एक दिन ये सबको होना ही है, इट्स हार्श रियालिटी बट दैट्स द ट्रूथ। Even WHO says that एक दिन सबको होना ही है, ठीक है, तो just be prepared for it, you know, support each other, love each other and show true care for each other. This was just a small message for all of you, क्योंकि you are like my family member. तो okay, प्यार और support ने हमें इतना बढ़ाया कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं शुक्र गुजार हूँ तुम लोगों का। बस यार आज के लिए इतना ही, और हाँ, I am about to start a 30-day challenge जिसमें
आई एम प्रोबेबली थिंकिंग कि मैं रोज वीडियो डालूं या हर ऑल्टरनेट डेज पे डालूं। तो बताना यार आइडिया कमेंट करके बताना, और बताना मेरे को कमेंट्स में कि तुम्हें आज का मैसेज कैसा लगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो यार शेयर कर देना और टेल योर फ्रेंड्स कि हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर गोइंग टू हेल्प यू, वी लव यू एंड वी केयर फॉर यू। तो मिलते हैं हमारी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।